हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसी जॉब वैकेंसी की अपडेट लेकर आ चुका हूं जिसके लिए कोई भी एग्ज़ाम ना देकर केवल और केवल इंटरव्यू के आधार पर जल्द से जल्द सिलेक्शन पा सकते हैं। अगर आप लोग भी केवल कक्षा 10वीं या 12वीं पास हैं और ब्लॉक सुपरवाइज़र के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, 15 से 20 हज़ार रुपये सैलरी पाना चाहते हैं, जल्द से जल्द आपको नौकरी की ज़रूरत है, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लॉक सुपरवाइज़र के पदों पर आ चुकी साल 2024 के लिए नई भर्तियों के बारे में, जिसके लिए कंप्लीट नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं। एनसीएस पोर्टल के थ्रू ये वैकेंसी है। प्रूफ के साथ में आगे आपको इस वैकेंसी की जानकारी देंगे। अगर आप सभी आवेदन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के माध्यम से आपको आवेदन का तरीका भी बता दूंगा। आप हाथों हाथ वीडियो को देखने के बाद आवेदन भी कर पाएंगे, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन फीस के, बिल्कुल फ्री में अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से, जिसकी आखिरी डेट 31 मार्च 2024 की रखी गई है। लेकिन आप यकीन मानिए, एनसीएस पोर्टल के थ्रू जितनी भी वैकेंसी आती है उनकी जो आखिरी डेट होती है वो नाम मात्र की होती है। जितना जल्दी आवेदन करेंगे उतना जल्दी सामने से आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा और उतनी ही जल्दी सीटें भी फुल हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी नहीं है, कुछ लोगों को ही ये जॉब मिल सकती है, इसलिए आप सभी वीडियो को आखिरी तक देखें। ऑल इंडिया लेवल पर आप लोग कहीं से भी आवेदन कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के लिए वैकेंसियों के नोटिफिकेशन हैं। वीडियो पसंद आ जाती है तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही सुपर फास्ट जॉब्स की अपडेट के लिए नाम एक ही है, नौकरी खबर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। आइए चलते हैं आज का अपने मेन टॉपिक ऑफिशियल वेबसाइट प्लस नोटिफिकेशन पर। दोस्तों, आपको आवेदन करने का नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लिक करके इस पेज पे आएंगे, पहला काम करिएगा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और हो सके तो व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, क्योंकि जितनी भी अपडेट आपको नहीं मिल पाती नोटिफिकेशन के द्वारा वो यहाँ पर आपको शेयर कर दी जाती हैं। अभी देखिए, जो वैकेंसी है वो कंपनी के थ्रू आई है। नाम यहाँ पर देख सकते हैं, प्रियदर्शनी कंपनी है। आपको आगे इसका प्रूफ भी देंगे। ब्लॉक सुपरवाइज़र की रिक्रूटमेंट 24 के लिए। अधिक जानकारी के लिए www.naukrikhabar.com गूगल पे टाइप करेंगे, आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। डेट्स की बात कर लेते हैं। आवेदन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं जिसकी आखिरी डेट है 31 मार्च 2024 की। एप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री है। आप किसी भी कैटेगरी किसी भी राज्य से आते हैं, आप लोग बिल्कुल फ्री में इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्र की बात कर लें तो 18 से लेकर के 40 साल का कोई भी कैंडिडेट इन पदों पर आसानी से आवेदन कर पाएगा। टोटल वैकेंसियों की बात करें 50 यानी 50 पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं। जितना जल्दी हो सके एक पोजीशन अपनी फिक्स कर लीजिए अगर आपको जॉब की तलाश है। इसके बाद देखिए ब्लॉक सुपरवाइज़र की पोस्टें हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो 10-12 ग्रेजुएशन पास रखा गया है। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन को देखना होगा। ऑल इंडिया लेवल पर आवेदन कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। टुडे टॉप जॉब लिस्ट की बात करें, अगर बाय चांस इस जॉब के लिए आवेदन नहीं करना चाहते तो अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड के बेसिस पे आप सभी दूसरी जॉब्स को भी देख सकते हैं और क्लिक हियर की बटन पे क्लिक करके इनके लिए आवेदन भी कर सकते हैं। वेतन की बात करें, 15 से लेकर 20 हज़ार रुपये का वेतन नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। आपके जो क्वालिफिकेशन होगा उसके बेसिस पे वेतन तय किया जाएगा। इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। एनसीएस के अंदर जितनी भी वैकेंसी होती है उनके लिए कोई भी एग्ज़ाम कभी भी ना हुआ है और ना आगे होने के चांसेस हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका होना है। अभी के लिए आप लोग देखिए कैसे आप लोग आवेदन कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे हम लाइव करके दिखाएंगे। देखिए, नोटिफिकेशन पे जाएंगे तो आपको एक पीडीएफ मिलेगा। अप्लाई ऑनलाइन पे जाएंगे तो पीडीएफ प्लस आपको लिंक मिल जाएगा आवेदन करने का, इसीलिए हम डायरेक्ट इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करेंगे सीधे आ जाएंगे एनसीएस के पोर्टल पर, नेशनल कैरियर सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर इन वैकेंसियों को आउट किया गया है। ये अप्लाई की बटन आपको मिल रही है, लेकिन उससे पहले इस वैकेंसी की डिटेल दे देते हैं। सैलरी पे फोकस करें, 15 से 20 हज़ार मंथली। नंबर ऑफ ओपनिंग 50 है। पोस्टेड डेट यहाँ पे देख सकते हैं और इसकी आखिरी डेट है 31/3/2024 यानी कि 31 मार्च की। इसके बाद यहाँ से नीचे आते हैं, कंपनी का नेम यहाँ पे देखें
और यहाँ पर आपको और भी कई सारी चीज़ें बताई गई हैं। जॉब टाइटल है ब्लॉक सुपरवाइजर का, सेक्टर बताया गया है सर्विस एक्टिविटी और फंक्शन रोल ट्रांसपोर्टेशन शिपिंग, यहाँ पे सुपरवाइजर। इसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे, मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे ग्रेजुएट रखा गया है। एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 से 5 साल के बीच में अगर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी आपको आवेदन कर देना है। की स्किल क्या होनी चाहिए, ट्रेवल सुपरवाइजर ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेटर, ये चीज़ें अगर इनके बारे में मालूम है तो भी आवेदन करना, नहीं तो आवेदन आपको ज़रूर करना है। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर सीट्स फुल ना हुई होंगी तो आपको जॉब मिल जाएगी। फुल टाइम की जॉब है, 15 से 20 हज़ार की सैलरी है, 30 दिन में आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, मंथली आपको सैलरी मिलेगी। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे डिमांड नहीं किया गया है, जो जेंडर इन्होंने मांगा है वो मेल के लिए बोला है, लेकिन फीमेल अगर इंटरेस्टेड है तो एक बार अप्लाई करके ज़रूर चेक करें। 50 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है, 40 ईयर यानी कि 40 साल तक की आपकी एज है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1984 से 2004 के बीच वाले जो कैंडिडेट हैं वो आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद पर्सन नेम यहाँ पर दिया गया है, एम्प्लॉयमेंट एक्शन। अब बताते हैं आपको आवेदन करने का प्रोसेस। यहाँ जो अप्लाई की बटन है, NCS में अगर किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक ID क्रिएट करनी होगी, या यूँ कहें कि अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा। तो अभी हम आपको बताते हैं कैसे इसको किया जा सकता है। देखिए, जैसे हमने अप्लाई की बटन पे क्लिक किया, लॉगिन, यूज़र नेम और पासवर्ड, साथ में कैप्चा यहाँ पे हमको फिलअप करने के लिए बोला जा रहा। यहाँ पे नीचे लिखा है न्यू यूज़र साइनअप की बटन है, एक बार इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको पहले तो यहाँ पर जॉब सीकर सेलेक्ट है तो उसको रहने देना है, क्योंकि आपको जॉब चाहिए। यहाँ से आप आएंगे तो यहाँ पर पहला आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन UID आधार कार्ड यहाँ पर आपको देखना है, सेलेक्ट है, या फिर अपनी आईडी के लिए आप यहां पे ई श्रम कार्ड, UAN नंबर, और या तो आप पैन कार्ड को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। पैन कार्ड का नंबर डालेंगे और यहां पे कैलेंडर में डेट ऑफ बर्थ से चेक कर लेंगे कि आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। अगर आप लोग सारी क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद बहुत ही ईजी होगा, ID पासवर्ड मिलने के बाद आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको आवेदन करने की वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के लिए 100 लाइक का टारगेट है, इसको आप कंप्लीट करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।